हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आपकी 11th क्लास का फिर हम आगे का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक्सरसाइज 5.1 कवर करवा दी थी। इसकी जो चैप्टर नंबर हमारा 5 था, कॉम्प्लेक्स नंबर। और बच्चों, 5.2 के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था पिछले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैंने मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में बात की थी। आज बच्चों, उन्हीं मॉडुलस और आर्गुमेंट को हम फाइंड करेंगे कि किस टाइप से हम मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या करते हैं बच्चों, फाइंड करते हैं। तो मॉडुलस के बारे में तो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था। आज देखिए हम किस टाइप से हम इनको फाइंड करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। अपना वर्क बच्चों साथ साथ कंप्लीट रखें, साथ साथ मेरे साथ साथ इनको इसको वर्क को अपना कंटिन्यू करें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 5.2 का। जेड इज इक्वल टू -1 -iota√3, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने जो मोड आर्गुमेंट को किससे डिनोट किया था बच्चों, थीटा से डिनोट किया था। तो थीटा इज इक्वल टू बताया था टेन इनवर्स बी बाय ए। तो ये ए होता है और ये क्या होता है बच्चों, बी की वैल्यू होती है। तो बी बाय ए टेन इनवर्स। तो देखिए इसके अंदर हम किस टाइप से इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देयरफॉर मैंने इसको लेट कर लिया बच्चों, -1 -iota√3 को इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। आर यहाँ पे मेरा क्या है, आर्गुमेंट है, और थीटा क्या है यहाँ पे मेरा, सॉरी थीटा आर्गुमेंट और आर क्या है यहाँ पे मॉडुलस है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इनका कंपैरिजन करूँ आपस में, तो जो -1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, आर कोस थीटा के। -1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड माइनस जो आयोटा के साथ यहाँ साइन थीटा, आर साइन थीटा है, और यहाँ आयोटा के साथ -√3 है। तो -√3 इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। तो आपने यहाँ से देखा कि कोस थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी नेगेटिव है। तो कोस थीटा और साइन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं बच्चों, आपको पता ही होना चाहिए। कोस थीटा और जो साइन थीटा जो नेगेटिव होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आपका आपको पता चल गया कि थीटा जो लाई कर रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखिए, अब मैं इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दूंगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो देखिए -1 का स्क्वायर ऐड कर दिया -√3 का स्क्वायर। इसी टाइप से आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। और देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है √4। तो आर की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2। तो ये मॉडुलस हो गया, और मॉडुलस में वैल्यू तो प्लस माइनस होती है, लेकिन हमने क्या लेनी है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। तो मॉडुलस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, आर्गुमेंट। तो थीटा यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट है। तो वेयर जो थीटा है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। मैं आपको थोड़ा इसको डायग्राम से शो करके दिखा देता हूं। देखिए ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये ओरिजिन हो गया। तो हमें देखिए कोस क्या है, आपको पता होगा बच्चों ओरिजेंटल जो कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, कोस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, साइन थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट साइन है, साइन की वैल्यू -√3। तो नेगेटिव साइन, साइन क्या है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसकी वैल्यू किसके साथ लेनी है, वाई एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस के साथ वैल्यू वो क्या दिखा रहा है, -√3। तो -√3 वैल्यू दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ आ जाएगा -√3। और ये दिखा रहा है कोस थीटा, दिखा रहा है -1 वैल्यू। तो ये -1 हो गया एक टाइप से, और इधर ये -√3। तो इस टाइप से ये दोनों वैल्यू दिखा रहे हैं हमारी। देखिए अगर मैं इसको एक ट्रायंगल बनाऊं,
इस टाइप से इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वैल्यू मेरे पास वाई एक्सिस के साथ आई है, ये वाली वैल्यू वो आई है -√3, और ये एक्स एक्सिस के साथ आई है वो आई है -1। ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है -√3 है, और ये कितनी है -1। तो देखा हमने, अभी थर्ड क्वाड्रेंट को अगर मैं यहाँ से लूँ इस एक्सिस के साथ, तो नेगेटिव डायरेक्शन में कितना जा रहा है ये, इस टाइप से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लूँ तो इस टाइप से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन भी ले सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन भी ले सकते हो। तो देखिए थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेता हूँ तो मेरे पास देखिए माइनस का पूरा 180 चला यहाँ तक, -180 यहाँ तक पूरा, यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ तक पूरा -180, और फिर थोड़ा इधर है तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना है √3। √3 मीन्स जो √3 वैल्यू होती है वो टेन थीटा की कितनी होती है बच्चों, वो टेन थीटा की, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करनी थी हमने। देखिए यहाँ इस स्टेप के बाद देखिए हमारे पास अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बी बाई ए -√3 डिवाइड बाय -1, क्योंकि b बाय ए ही आएगा ना, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो है r साइन थीटा, जो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये -√3 है, और कोस थीटा की वैल्यू भी कितनी है मेरे पास -1 है। तो यहाँ से थीटा जो टेन थीटा है वो कितना आ गया हमारे पास √3 आ गया बच्चों, टेन थीटा यहाँ से कितना आ गया हमारा √3 आ गया है। तो देखिए टेन थीटा √3 आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हो बच्चों जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √3 आ गई है। तो देखिए अब हमें देखना है कि ये थीटा हम किस टाइप से फाइंड करें, तो अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं तो -180 प्लस इतना कितना की √3 वैल्यू कितनी कितने पे होती है थीटा की, 60 पे होती है, जो कितने पे होती है ये वैल्यू 60 पे होती है, 60 पे होती है, तो इसका मतलब उसमें प्लस कितना हुआ है 60, तो ये हमारे पास कितना आ गया माइनस का 120, और -120 को अगर रेडियन में लिखें तो 2π/3 लिखेंगे, या फिर आप वैल्यू क्या लिखा सकते हो जो थीटा की पूरा का पूरा आप यहां चलिए सीधा डायरेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो 180 में ऐड करके थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं ना, 180 में ऐड करेंगे तभी थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और 180 में कितना ऐड कर देते हैं 60, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 240, और इसको अगर रेडियन में लिखना है 240 को रेडियन में कितना लिखेंगे बच्चों, 240 को अगर रेडियन में हमें लिखना हो तो कितना लिखेंगे हम, ये पाई है और ये पाई बाय कितना है 3 है, ये पाई बाय 3 है और ये कितना है पाई है, तो ये 4π/3 लिखेंगे हम इसको, कितना लिखेंगे 4π/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया है हमारा आर्गुमेंट आ गया बच्चों। तो मॉडुलस देखिए सिंपल सी बात है, आप इसके इक्वल रखिए हमेशा, हर क्वेश्चन में इसी टाइप से करेंगे, आर कोस थीटा ये वैल्यू हो गई, आर साइन थीटा -√3 हो गया, दोनों को टेन थीटा कितना आ जाएगा -√3 डिवाइड में -1, माइनस से माइनस कट हो गया, टेन थीटा कितना आ गया √3, स्क्वेयरिंग और ऐड कर लीजिए, आर की वैल्यू हमारे पास ये आर आ गया मॉडुलस, और थीटा फाइंड करना हो तो क्वाड्रेंट सिस्टम लगा दीजिए, ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो 180 में ऐड कर दो, सेकंड में तो 180 में से माइनस कर दो, फोर्थ में तो 270 में ऐड कर दो, या 360 में से माइनस कर दो, वो देखिए मैंने आपको पहले करवा दिया है। तो इस टाइप से हमें इसके क्वेश्चन को क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, जेड इज इक्वल टू है -√3 प्लस आयोटा, इसको अगर मैं इसके इक्वल उसी टाइप से लूं आर कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, देखिए इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं बच्चों, अगर इस फॉर्म में अगर थीटा की वैल्यू पुट कर दी जाए ये वाली, तो इसको ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं इनकी, क्योंकि हम इनको एक्स पोल और वाई पोल के साथ ले लेते हैं, तो ये पोलर फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे आर कोस थीटा क्या हो गया, आर कोस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो -√3 आ गई, एंड आर साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई हमारे पास आयोटा के साथ, कितना बच्चों 1 है, तो आर साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई है। अब स्क्वेयरिंग एंड ऐड कर देते हैं उसी टाइप से, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो -√3 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, देखिए सेम बनेगा हर टाइप,
उसी टाइप से क्वेश्चन चलेगा जो हमने फर्स्ट करवाया था, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, माइनस रूट थ्री माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, रूट थ्री का स्केयर थ्री आ जाएगा, वन का स्केयर वन होता है, आर स्केयर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, तो ये वन हो गया। दिस इंप्लाइज आर स्केयर इज इक्वल टू फोर आ गया, तो यहाँ भी हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है, तो ये हमारे पास मॉडुलस आ गया है, आर की वैल्यू टू आ गई है। अब देखिए आर की वैल्यू टू आने के बाद हम टेन थीटा फाइंड करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा, क्योंकि आर से आर कट हो जाना है। आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, वन है, और आर कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट थ्री है, तो आर से आर कट हो गया। देखिए माइनस आ रहा है, टेन थीटा क्या आ रहा है, माइनस वन बाय रूट थ्री आ रहा है, इसका मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि थीटा तो अब टेन नेगेटिव आ रहा है तो टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है और सेकंड में भी कर सकता है, लेकिन हमें ध्यान देना है कोस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और कोस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो कोस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ कोस नेगेटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेंट फोर्थ नहीं है, क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, सेकंड है, साइन कोस से पता चल जाएगा क्वाड्रेंट कौन सा है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो देखिए मैंने आपको बताया था 180 में से माइनस कर दीजिए, अब हमें पता है टेन वन बाय रूट थ्री आया, वन बाय रूट थ्री 30 पे वैल्यू होती है, तो टेन 180 में से 30 माइनस कर दे तो 150 आ गया, इसको रेडियन फॉर्म में, ये डिग्री फॉर्म में है, रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 5π/6, तो इसका मतलब जेड मॉडुलस, लास्ट में अगर ये लिखना चाहो हैंस, जेड मॉडुलस की वैल्यू 2 आई है और आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना है हमारे पास, 5π/6 आया, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 to 8 क्वेश्चन जो हमारे इस एक्सरसाइज के हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म यही फॉर्म होती है बच्चों, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन में इसके भी करवा देता हूँ, देखिए इजी है, इसी टाइप से चलना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखिए हमारे पास क्या है, 1 - i है, लेट जेड इज इक्वल टू क्या है, 1 - i, इसको उसी टाइप से इक्वल रखेंगे आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म ही है बच्चों, यहां बस आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दीजिए, तो देखिए उसी टाइप से, देयरफॉर आर कोस थीटा तो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, एंड आर साइन थीटा कितना आ गया, -1 आ गया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देंगे इनको, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इसी टाइप से 1 स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर, आर स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कितना आ जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, माइनस स्क्वेयर का 1 होता है, तो ये 1 हो गया, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1 हो गया, इज इक्वल टू 2 आ गया, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2, तो मॉडुलस हमारे पास कितना आ गया बच्चों, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, √2 आ गई है, मॉडुलस आ गया। अब देखिए कोस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव थर्ड में होता है या फोर्थ में होता है, अब फोर्थ में तो कोस क्या होता है, कोस पॉजिटिव है, कोस थर्ड में तो कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, अब कोस तो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट सबसे पहले तो यही पता चल गया भी साइन नेगेटिव कौन से में होता है, थर्ड में या फोर्थ में, अब एक क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा, या तो थर्ड में करेगा या फोर्थ में करेगा, तो थर्ड फोर्थ को चेक करने के लिए कोस देख लीजिए, कोस पॉजिटिव है, अब कोस पॉजिटिव कौन से में होता है, फोर्थ में, इसका मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो नाउ अब हम यहाँ पे टेन थीटा देख लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कोस, साइन कितना है, -1 डिवाइड में कोस, तो यह -1 आ गया,
इसका मतलब अभी मैंने बता ही दिया, देयरफॉर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर गया, तो देखिए अब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर गया, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर गया और टेन क्या है? माइनस वन है। माइनस वन है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं डिवाइड नीचे आऊं, अगर मैं यहां से चेक करूं एक टाइप से, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस था वो तो पॉजिटिव है, कोस तो ओरिजेंटल कंपोनेंट है, ये तो पॉजिटिव हो गया वन, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो माइनस वन है। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, वो माइनस वन है। तो देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये माइनस का 45 आया है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्योंकि वन वैल्यू कितने पे होती है? 45 पे। तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस का 45 आया है, देयरफॉर अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो थीटा एक टाइप से मेरे पास माइनस का 45 आ गया, माइनस पाई बाय 4। और अगर आप इसको और आगे करना चाहते हो तो 2 पाई में से इसको माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 2 पाई में से माइनस करना होता है किसको? पाई बाय 4 को। तो अगर आप माइनस पाई बाय 4 लिखना चाहो तो माइनस पाई बाय 4 लिख दीजिए, और अगर या फिर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा ये? 7 पाई बाय 4, क्योंकि नेगेटिव आया ना, तो 7 पाई बाय 4 भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, तो लास्ट में हमारे पास पोलर फॉर्म क्या आ गया बच्चों? पोलर फॉर्म ऑफ 1 माइनस आयोटा इज क्या आ जाएगा? क्योंकि 1 माइनस आयोटा की फाइंड करनी थी ना हमने, पोलर फॉर्म 1 माइनस आयोटा की, वो क्या आ जाएगी? बस इसके इक्वल आर, आर की वैल्यू आई है रूट टू इंटू कॉस थीटा आया माइनस पाई बाय 4, देखिए माइनस पाई बाय 4 ही आया है, या फिर ये रख दीजिए प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा माइनस पाई बाय 4, मैंने ये यूज कर लिया, ये पोलर फॉर्म आ गई। पोलर फॉर्म मीन्स जो थीटा और आर की वैल्यू आई है वो यहाँ पे इसमें पुट कर देनी है, यहाँ वो पोलर फॉर्म आ जाएगी आपकी। देखिए सिंपल है, एक आधा क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं इसका, जैसे कि इसमें दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन 6 देख लीजिए। 6 में क्या है? ओनली और ओनली -3 दे दिया है, तो अगर ये कौन सी रियल पार्ट दे दिया, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया, तो इमेजिनरी पार्ट को मैंने ले दिया 0 आयोटा। -3 दिया था, इमेजिनरी पार्ट को मैंने क्या ले लिया बच्चों? 0 आयोटा। तो इसको हम आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? आर कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -3 एंड आर साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। इनको स्क्वेयरिंग एंड ऐड कर लेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर किया तो आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू -3 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर। आर स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू -3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 9। 9 होने के बाद देखिए ये 1 हो गया, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 आ गई है। नाउ टेन थीटा कितना आएगा बच्चों? साइन थीटा 0 है, कोस थीटा -3 है, तो 0 बाय -3 0 ही आ जाएगा। टेन थीटा कितना आ गया हमारे पास? 0 आ गया। दिस इंप्लाइज देखिए कोस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, साइन 0 है, तो अगर एक टाइप से देखें तो टेन अगर 0 आ रहा है तो थीटा टेन 0 कितने पे होता है बच्चों? टेन 0 हमारे पास होता है किस पे? 0 पे होता है और 180 पे होता है। तो लेकिन हमारे पास देखिए यहां पे जो कोस नेगेटिव आ रहा है तो कोस 0 1 होता है, पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब थीटा कोस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज थीटा लाइज इन
सेकंड क्वाड्रेंट, और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से जीरो माइनस करते हो 180 में से जीरो, क्योंकि जीरो पे वैल्यू आई तो थीटा कितना आ जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आ जाएगा, 180 आ जाएगा क्योंकि जीरो ही होता है, तो थीटा हमारे पास पाई आ गया है। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, लास्ट में लिख देंगे जो हमारे पास जो जो वैल्यू हमारे पास आई है वो लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर जेड माइनस रूट थ्री, इसकी जो पोलर फॉर्म है जीरो आयोटा की, जो पोलर फॉर्म आर, आर की वैल्यू थ्री आई है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आर और थीटा फाइंड करके इसके अंदर हम वैल्यू क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे। इसके साथ ही आपकी जो ये एक्सरसाइज है 5.2 ये भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे बच्चों, अब इस वर्क को आप कंटिन्यू रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।